नमस्कार, आप न्यूज 19 देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रूही प्रिया, और आज मेरे साथ है मेरे सीनियर मुकेश सिंह। सर, कल मैंने सोशल साइटों पर देखा कि स्वर्गीय तनवीर अख्तर की पत्नी रोजीना नाजीस ने MLC के पद के लिए नॉमिनेशन किया, और उस नॉमिनेशन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रेजेंट थे। नामांकन का वो फोटो देखकर मुझे याद आ गया कि 17 मार्च 2021 को भी 12 MLC का चयन किया गया था, जो असंवैधानिक था, जो भारतीय संविधान का उल्लंघन था। उनका क्या हुआ सर, वो सारे MLC अभी कहाँ हैं? और इस बीच खबरें आई थी कि उन 12 MLC के असंवैधानिक मनोनयन के विरुद्ध हाई कोर्ट में PIL दाखिल हुआ है। उस PIL का क्या हुआ, इस बारे में सर आपके पास क्या जानकारी है? रूही, आप गजब का सवाल लेकर आई हैं आज। और आपको याद है क्या, इससे पहले भी आपने इन 12 MLC के चयन को लेकर सवाल किया था मुझसे? जी जी, मुझे याद है। कब किया था, ये याद है आपको? जी, जैसा कि थोड़ा बहुत मुझे याद है कि इन 12 MLC का सिलेक्शन 17 मार्च को ही कर लिया गया था, लेकिन हमने आपसे सवाल 14 अप्रैल को किया था, और चैनल ने उस खबर को प्रसारित भी किया था। बिल्कुल सही याद है आपको। तो चलिए, आज आपने जो सवाल किया है मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन सबसे पहले न्यूज 19 के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और Facebook पेज के पेज को भी लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। रूही, आपने अभी जिन 12 MLC के मनोनयन से जुड़ा सवाल किया है, उस मनोनयन को लेकर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 12 MLC में जहां अशोक चौधरी और जनक राम को मंत्री बनाया गया, तो वहीं जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को MLC मनोनीत किया गया था। 17 मार्च को जिन 12 MLC का चयन किया गया, उन 12 में से 10 MLC किसी न किसी राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य हैं या फिर किसी दल के वरिष्ठ नेता हैं। और हाँ, ये सारे के सारे MLC राज्यपाल कोटे से बनाए गए हैं। यहाँ आपको यह भी बता दूं कि राज्यपाल कोटे से सिर्फ उन्हें ही MLC बनाना था जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिए हो, ऐसे लोगों का मनोनयन करना था। और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 3 के उपखंड अंगा में निहित किया गया है। लेकिन यहां उन लोगों का चयन किया गया जो एक राजनीतिज्ञ हैं। संविधान के इसी उल्लंघन को देखकर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और न्यायालय ने भी संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब क्या उम्मीद है सर, इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट का अब क्या फैसला आने वाला है? देखिए, हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन जिस तरीके से संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है, जिस प्रकार राज्यपाल के अधिकार का हनन किया गया है और सभी MLC का मनोनयन किया गया, उसे न्यायालय द्वारा अवश्य ही गलत ठहराया जाएगा, और उस स्थिति में सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। किस डेट तक फैसला आ जाएगा? ये बिहार है, यहां कुछ भी संभव है। जब यहां राज्यपाल के अधिकारों का हनन कर लिया जाता है, तो फिर इस मसले पर कब और क्या फैसला आएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन प्रावधान है कि न्यायालय में सुनवाई समाप्त होने के 14 दिनों के अंदर फैसला आ जाना चाहिए, और सुनवाई 7 सितंबर 2021 को समाप्त हो गई, तो यह माना जा सकता है कि 1 या 2 दिन में फैसला आ सकता है। तो फिर उस परिस्थिति में जिन 2 MLC को, यानी अशोक चौधरी और जनक राम को मंत्री बनाया गया है, उनका क्या होगा? देखिए, जैसे ही सदस्यता समाप्त होगी,
वैसे ही उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यह सरकार पर निर्भर करता है कि उन मंत्री को फिर से मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपते हैं या नहीं सौंपते हैं, और सरकार के पास ये अधिकार भी है कि वे पुनः उन्हें मंत्रालय सौंप सकते हैं। लेकिन उन मंत्री को पुनः यानी 6 माह के भीतर विधानमंडल दल का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा। अच्छा सर, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कहते हैं कि न्याय के साथ विकास हो रहा है, तो मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि ये कैसा न्याय है और ये किसके साथ न्याय किया जा रहा है, जहां शिक्षा, साहित्य, कला, फिल्म, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों के बदले राजनेताओं का चयन कर लिया जाता है। तो फिर ये कैसा न्याय है और ये किसके साथ न्याय है? बिल्कुल बिल्कुल जायज सवाल उठ रहा है आपके मन में, और कुछ ऐसा ही सवाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार के खंडपीठ ने महाधिवक्ता से किया है, और कहा है उन्होंने कि राजनीतिज्ञ और समाज सेवी में एक बड़ा अंतर होता है, तो फिर समाज सेवी के बदले राजनीतिज्ञों के मनोनयन को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? और मौजूदा वक्त में जिस तरीके से संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन कर मनोनयन किया गया है सारे MLC का, वो समाज के उत्थान में और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने वाले व्यक्ति का तिरस्कार तो है ही, साथ ही राजनेताओं और चाटुकारों को दिया गया पुरस्कार है। इसलिए यहाँ नीतीश कुमार का वो नारा जिसमें वो कहते हैं कि न्याय के साथ विकास हो रहा है, बिल्कुल भ्रमित करने वाला है, और खासकर राज्यपाल कोटे से बनाए गए 12 MLC के चयन को लेकर, क्योंकि सवाल उठता है कि उनका क्या दोष था जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, कला, फिल्म, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिए हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनका क्या दोष था जो उन्हें चयनित नहीं किया गया? उनके लिए तो ये चयन एक अभिशाप के समान है। तो क्या सर, ये राज्यपाल के अधिकार का हनन भी माना जा सकता है? बिल्कुल, ये राज्यपाल के अधिकार का हनन ही नहीं बल्कि महामहिम के अधिकारों का अतिक्रमण भी है। साथ ही आप यह भी कह सकती हैं कि समाज में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वालों का अपमान है और नेताओं और चाटुकारों का सम्मान है ये MLC का चयन, जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। खैर, न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए हमें कि संविधान के उल्लंघन किए जाने के इस मामले में हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ साथ News 19 के दर्शकों को भी बहुत अच्छी जानकारी दी, और खासकर उनके लिए भी ये अहम जानकारियां हैं जो न्याय के साथ विकास का ढिंढोरा पीटने वाले नेताओं की धुन पर अपने अपने घरों, बाजारों और चाय की दुकानों पर थिरकते रहते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे News 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही News 19 के Facebook पेज को भी लाइक और शेयर अवश्य कर ले, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद। We'll be right back.